तो चलिए आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एमआई का ट्रिमर जो मैंने अमेजोन से लिया है। और इसको खरीदने का मेन रीज़न है मेरा एक पहले का ट्रिमर था जो पापा और मैं दोनों यूज़ करते थे, तो मैक्सिमम टाइम पापा यूज़ करने के बाद बैटरी ख़त्म हो जाता था। मैं जब हड़बड़ी में ट्रिम करने के लिए यूज़ करने का कोशिश करता था लेकिन वो ख़त्म हो जाता था बैटरी, तो थॉट ऑफ बाइंग अ न्यू वन ऑफर चल रहा था। तो चलिए देखते हैं कैसा है। तो इसके साथ मैंने बिल भी फाड़ दिया। सो ये मैंने लिया है। सो दिस इज द बॉक्स, देख लीजिए। दिस इज MI बियर्ड ट्रिमर 1C। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले इधर से धीरे से सील इसको तोड़ेंगे। साइड में रखेंगे। इसमें है 1C मैनुअल जो हम लोग ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं लेकिन पढ़ लेना चाहिए एक दो बार, जिससे कि हम लोग थोड़ा अच्छे से जान सके कि इसका यूज़ कैसे कैसे है व कैसे कैसे करना है। साइड में रखते हुए इसको साइड में रख दिया। इसमें है आपका ट्रिमर जो अंदर से निकल रहा है, देखते हैं क्या है। लुक्स नाइस, बहुत ही ट्रेंडी है, बहुत ही कूल है, देख लीजिए, बहुत सेक्सी है दिखने में। इधर भी स्विच है जिसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या इसमें मिलता है। ये साइड में रख दिए। तो पैकेट के साथ दे आर गिविंग अ नाइस कूल पाउच, ये भी इसके साथ मिल रहा है, और एक केबल जो हम लोग का सिंपल मोबाइल का कोई भी जैक से भी चार्ज हो जाएगा। दिस इज सिंपल जैक, ये देखिए सिंपल सा जैक है, कोई भी मोबाइल का भी जैक से चार्ज हो जाएगा ये। अगर आप कभी भी ये वायर लेके जाने के लिए भूल जाते हो तो कहीं से भी आप चार्ज कर सकते हो। दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ मार्केटिंग। तो ये भी है इसके साथ, और इसके साथ एक छोटा सा ब्रश भी दिया है। ये कट करने के बाद शायद कहीं पे भी अगर बाल फंस जाता है या दाढ़ी फंस जाता है तो ये आप ब्रश को ऐसे करके क्लीन कर सकते हो, ये आप क्लीन कर सकते हो ऐसे करके। तो ये था बॉक्स में आपका क्या क्या मिल रहा है, तो देख लेते हैं। और ये था मेरा पहला फिलिप्स का ट्रिमर। दिस इज वेरी ओल्ड, बहुत साल हो गए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये अभी तक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट ब्रांड्स दैट आई हैव एवर सीन। तो इसको आप ओपन भी कर सकते हो, ये साफ भी कर सकते हो, ये जैसे पहले मैंने साफ करता था इसको खोल के,
तो दिस इज़ वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये ऑन होता है ऐसे, चल रहा अभी भी। बात इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो ये जो इसका पोर्ट है ना, दिस इज़ दी पोर्ट, ये जो इसका पोर्ट है, ये आप इसका अगर जैक और चार्जर आपके पास नहीं होगा, ये आपके पास अगर नहीं है ये वाला जैक, तो आप कहीं पे भी इसको चार्ज नहीं कर पाओगे। दिस इज़ दी बिगेस्ट डिसएडवांटेज इसमें होता है। मतलब सोच लीजिए कि आप ये कहीं पे भी जा रहे हो, आप ये चार्जर लेके जाना भूल गए और इसमें चार्ज नहीं है, तो आप इसको चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें आप कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो, सिर्फ इस पोर्ट को इधर घुसाना है कोई भी मोबाइल का चार्जर से जिसका जैक इसके साथ सेम मैच करता हो, तो ये हो जाएगा चीज़, ये आप कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो। दिस इज वेरी नाइस। ये देखिए इसका साइज, थोड़ा सा छोटा है, ट्रेंडी है, स्लीक है, टेंशन नहीं है इसमें। देखिए ये ऑन हो गया, और इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है कि बैटरी कितना है। सी दिस इज 1, 2 एंड 3, एक कम है तो मतलब ये मेरे को चार्ज देना पड़ेगा। और इसमें साउंड का भी थोड़ा सा अंतर है, ये देखिए, ये इसका साउंड है, यू कैन हियर इट, और ये इसका साउंड है। सुनाई दे रहा है, ये इसका है, ये इसका है। ये बहुत पुराना हो गया शायद, इसके लिए भी हो सकता है साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हम लोग ऐसे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग और दिस इज डिक्रीजिंग, ये आप दाढ़ी के साइज के हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हो। दिस इज वेरी नाइस, आई कैन अंडर, ये आप खोल भी सकते हो, ये डिटैच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या है, सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स है इसमें, 60 मिनट्स ऑफ रन टाइम है, और 20 लेंथ एडजस्टेबल सेटिंग्स है इसमें, तो आप 0 से लेके 20 तक आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसका MRP है 1199। इसको मैंने Amazon से ख़रीदा है। तो आप एक चीज़ कभी भी कर सकते हो कि ये मैंने जैसे अपने पापा को गिफ्ट किया है, तो जिन लोग का भी थोड़ा सा क्लीन शेव छोड़ के जो लोग अपना बियर्ड को थोड़ा सा ट्रिम करके रखना चाहते हैं, उन लोगों को आप जैसे कि बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, किसी को भी भाई हो, आप कभी भी किसी को भी छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दिस इज़ रियली नाइस, स्लीक एंड यूजफुल, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी ट्रेंडी। तो मेरे लिए तो आई वुड हाईली रिकमेंड। मैंने और भी ब्रांड्स देखे हैं लेकिन दे आर अ बिट बिगर, और ऐसा भी होता है कि शायद थोड़ा सा कॉस्टली है, तो विद इन 1000 rupees अ ट्रिमर शायद थोड़ा सा इफिशियंट होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप इसके साथ और भी ब्रांड्स में शायद पाउच अवेलेबल नहीं होता है, तो ये लोग बहुत अच्छे से छोटा सा पाउच भी दे है, जिससे कि आप इसको अंदर घुसा के मस्त, इसका चार्जर भी घुस जाएगा इसमें।
चार्जर के साथ और इस ब्रश के साथ आप लोग अंदर घुसा के इसको लॉक करके मस्त इसको इधर से इधर घुमा के आप कहीं पे भी जाओगे तो इसको पाउच को मस्त बैग के अंदर लगा के आप लोग जा सकते हो। लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये जो पहले ब्रांड्स मैं यूज़ करता था इसमें सिर्फ एक चार्जर केबल और एक ट्रिमर सिर्फ ऐसे दे देता था और बस। और बल्कि एक चीज़ मैं और एक कहना चाहूँगा, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग जितना हो सके, देखिए हम कंपनी तो बोल के देते हैं कि वाटर प्रूफ है, ये है वो है जो भी है, तो हम लोग जितना कोशिश करेंगे कि इसमें पानी ना लगे उतना ज़्यादा अच्छा है। उनको पता है कि ट्रिमर में शायद पानी लगना ही है, लेकिन फिर भी जितना हो सके हम लोग पानी कम यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा है। तो मतलब जितना पानी के साथ कम टच में आएगा तो उतना ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें बैटरीज भी है और वायर्स भी है, इसमें ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो बस यही है, आई वुड रियली रिकमेंड दिस। थैंक यू।